जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 22 वेरिएंट 21, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने 22 किया हुआ है कि ये वेरिएंट करा लूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटा क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। फिगर 1.1 शोज अ मॉडल ऑफ अ ह्यूमन आर्म। द रबर बैंड्स रिप्रेजेंट्स द मसल दैट मूव्स द पार्ट ऑफ आर्म एक्स वाई अप। ये आर्म का ये वाला जो नीचे वाला है ये वो है मॉडल है, और रबर बैंड में ऊपर में टेंशन है, मसल है ये, और ये एल्बो आपकी जो होगी ना पिवट है, ठीक है। और ये राइट पे और दिया हुआ है आपको, डायग्राम में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके आर्म का मॉडल है, जैसे हाथ को अपने यूं किया होता है ना, मुड़ा होता है अपने हाथ को एल्बो से। अच्छा आगे कहते हैं, स्टेट टू वेज इन विच द डायमेंशन ऑफ द रबर बैंड चेंज एज द मैस एडिड टू एक्स वाई। स्टेट टू वेज इन विच डायमेंशन ऑफ द रबर बैंड चेंजेस। रबर बैंड की डायमेंशन कैसे चेंज होगी जब यहाँ पे तुम मैस ऐड करोगे। डायमेंशन होती है लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है ना, तीन डायमेंशन होती है। तो क्या हो जाएगा जब हम यहाँ पे लोड ऐड करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा लेंथ बढ़ जाएगी तो उसका जो एरिया है ना पतली हो जाएगी, वो पतली हो जाएगी, उसका एरिया जो होता है ना, एरिया विड्थ समझ लें, एरिया भी कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं, विड्थ डिक्रीजेस, एरिया कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, या उसकी विड्थ कम हो जाएगी ऐसे भी कह सकते हैं, उसका डायमीटर विड्थ, उसकी विड्थ। अगर गोल रबर बैंड है तो आप उसका डायमीटर भी कह सकते हैं, और डायमीटर डिक्रीजेस। जब रबर बैंड को पुल करते हैं बेटा तो लेंथ बढ़ती है, पतला हो जाता है ना वो, ये वही बताना है आपने इसके अंदर। अच्छा आगे कहते हैं, स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच रबर बैंड। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है रबर बैंड में। जब भी किसी चीज को डिफॉर्म करने से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रिंग स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉक मूवमेंट। व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सम ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट, पूरा लिखेंगे। अच्छा या आप कह सकते हैं रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो, रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो, रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा नेक्स्ट आगे तो एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स दैट रबर बैंड एक्सर्ट ऑन द सेक्शन एक्स वाई इज लार्जर देन द वेट ऑफ द मास। ओके डायग्राम कुछ यूं है बेटा, अगर आपने ऊपर देखी हो ना तो कुछ यूं है, यूं करके दिखाया हुआ है बाजू का मॉडल, और यूं करके दिखाया हुआ है उसको पिवट दिखाया हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ लोड हैंग हुए हैं, ऊपर डायग्राम बनी हुई है, मैं ऊपर नहीं जा रहा। और यहाँ पे इसके रबर बैंड अटैच है, मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, यहाँ पे कुछ रबड़ बैंड अटैच है, रबड़ बैंड अटैच। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि बताएं जी इसमें जो टेंशन है ना, वाई द रबड़ बैंड ऊपर को फोर्स लगा रहा है, ये जो ऊपर को फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वाई दिस फोर्स इज ग्रेटर देन वेट। अच्छा आपको पता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी रुका हुआ है ना, तो इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है बेटा उतना ही वेट क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ना इसको, वेट पिवट के अबाउट, ये पिवट है ना नीचे, ये तो वेट है ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है रबर बैंड के अंदर जो टेंशन है उसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो दोनों का मूवमेंट इक्वल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिवट से जो वेट है ना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ज्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन जो रबर बैंड का डिस्टेंस है ना पिवट से, वो डिस्टेंस क्या है बेटा, कम डिस्टेंस, कम है, मोमेंट आर्म छोटा है। अच्छा अब आपको पता है मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी। अब जरा एफ को सब्जेक्ट बनाओ,
एफ किसके इक्वल होता है, एम ओवर डी, तो क्या आ गया, एफ में और डी में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। तो जितना डिस्टेंस कम है उतनी फोर्स ज्यादा है, तो आपने क्या बोलना है कि रबर बैंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रबर बैंड इज लेस, देयरफॉर इस फोर्स इज मोर टू हैव सेम मोमेंट। इसका डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है, क्योंकि मोमेंट तो इक्वल प्रोड्यूस करना है ना, जितना क्लॉकवाइज मोमेंट है, जितना क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मोमेंट तो इक्वल प्रोड्यूस करना है, लेकिन इक्वल मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कम डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कम है, जब डिस्टेंस कम होता है तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। ये वही एग्जांपल है ना कि दरवाजे को हिंजिस से करीब से खोलें तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, उसके कोने से हैंडल से खोलें तो कम जोर लगाना पड़ता है। अच्छा आगे कहते हैं, द मैस सस्पेंडेड फ्रॉम एक्स वाई इन फिगर 1.2 हैज अ वेट दिस मच, इसका वेट गिवन है, कैलकुलेट द फोर्स दैट रबर बैंड एक्सर्ट ऑन एक्स वाई। अब मुझे डाटा चाहिए, इसका वेट गिवन है, आपको ऊपर डायग्राम पे आते हैं। जी जनाब ये डायग्राम देखिए, ये इसका वेट आपको गिवन है, कितना है, 4 न्यूटन लिखा हुआ है, ये 4 न्यूटन वेट है। अच्छा मोमेंट्स को करने के हमारे स्टेप्स थे, क्या थे, ऑल पाकिस्तानीज डिनाय टेररिज्म एक्सट्रीमली, ये हमारे स्टेप्स थे। ऑल फॉर एरोज, सबसे पहले एरोज लगाते हैं, तो एरोज लगाने, इसका वेट नीचे लग रहा है और ये इससे फोर्स ऊपर लग रही है, रबर बैंड में जो टेंशन है वो ऊपर एक्ट कर रही है। अच्छा एरोज हो गए, और पिवट पे जो फोर्स लग रही है इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है, उसका मोमेंट जीरो होता है। पिवट, पिवट बेटा गिवन है आपको, ये पिवट गिवन है, पिवट गिवन है। अब डिस्टेंस ऑफ ईच फोर्स फ्रॉम द पिवट, अब डिस्टेंस चेक करें, पिवट से कितना डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो ब्रैकेट में 2 लिख लें, इसके साथ ब्रैकेट में 2 सेंटीमीटर लिख लें ताकि ढूंढना ना पड़े। अच्छा फिर इस पिवट से लेके वेट का कितना डिस्टेंस है, तो पिवट से 2 ये और 16 आ गया है, 16 और 2 18 डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है बेटा, पिवट से लेना है ना आपने डिस्टेंस, डिस्टेंस 18 है, लेकिन ब्रैकेट में लिख लें इसको साथ, इसको ब्रैकेट में लिखते ताकि ढूंढना ना पड़े। तो 4 न्यूटन का पिवट से 16 डिस्टेंस नहीं है, 18 डिस्टेंस है। अच्छा अब टाइप ऑफ मोमेंट क्या है, कौन सी फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है, तो मुझे पता है ये वेट कैसे घुमाना चाह रही है, पिवट है ना, ये कैसे घुमाना चाह रहा है, अगर ये रबर बैंड टूटेगा तो ये कैसे गिरेगा, ये क्लॉकवाइज गिरेगा, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और रबर बैंड कैसे घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो अब कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, टेंशन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टी इंटू 2, सेंटीमीटर में रहने दें, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो भी सेंटीमीटर है, 4 इंटू 18, ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 18 डिवाइड बाय 2। बेटा देखो ये सेंटीमीटर था ना, परेशान ना हो, तो ये भी सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी परेशानी की जरूरत नहीं है। 2 2s आर 18, 2 था 36 न्यूटन्स, 36 न्यूटन है जी टेंशन रबर बैंड में, रबर बैंड में टेंशन कितनी है, 36 न्यूटन्स, तुमने कर लिया। आगे कहते हैं एक्सप्लेन हाउ योर आंसर इज डिफरेंट इफ द वेट इज नॉट निग्लिजिबल, अ वेट ऑफ एक्स वाई इज नॉट निग्लिजिबल। बेटा अभी तक हम ये सपोज कर रहे थे कि जो इसका वेट निग्लिजिबल है, अब देखो ना अगर इसका वेट यहां से एक्ट करता है, यहां से मैं किसी और कलर से बनाऊं, अगर आम का भी वेट नीचे एक्ट करेगा ना, यहां से वेट एक्ट करेगा, तो फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा ना। देखो ना एक तो जो वेट हैंग किया हुआ इसका भी मूवमेंट होगा, और जो ये आम है इसका भी वेट होगा, तो आपका टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा ना। जब टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को भी ज्यादा करना पड़ेगा ना, क्लॉकवाइज ज्यादा है तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज भी ज्यादा होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा कब होगा, जब फोर्स ज्यादा होगी, तो फिर आपको टेंशन ज्यादा होगी, मसल में टेंशन ज्यादा होगी, तो अगर उसके वेट को इंक्लूड कर लेंगे, देखो ना एक सीसॉ पे एक बच्चा बैठा हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी, सीसॉ पे दो बच्चे बैठ जाएं वो अपना बैग भी पकड़ ले स्कूल बैग, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना। तो हो क्या रहा है, अब दो चीजें होंगी, एक तो जो लोड हैंग हुआ है उसका भी वेट है और आम का अपना भी वेट है, तो दोनों के मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, तो आप बोलेंगे द फोर्स विल इंक्रीज, द फोर्स विल इंक्रीज, टेंशन बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। अच्छा भाई क्या कहता है, फिगर 2.1 शोज अ विंड टर्बाइन, विंड टर्बाइन है बेटा, द विंड ब्लोज डायरेक्टली टुवर्ड द टर्बाइन विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, विंड चल रही है, ये एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है। इन 1 सेकंड 6000 किलोग्राम ऑफ एयर पासेस थ्रू द सर्कुलर एरिया स्वेप्ट बाय द ब्लेड्स,
कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ कितना मास गुजर रहा है जी, 60,000 किलोग्राम गुजर रहा है एक सेकेंड में. कितनी स्पीड है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 233 रह जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 144. आ रहे 332 गलत कर दिया मैंने. ओके, मैंने गलत कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई गलत किया. ठीक है ठीक है, 3 4 12, 3 4 12 113, और ये 4 आएगा 432 0 0 0 0 ऐसे आएगा. जाउल्स 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 यूनिटी डालेंगे तो नंबर कट गया जना. The wind turbine releases no carbon dioxide into the atmosphere while generating electricity. Good, अच्छी बात है. Compare with a coal power station. This is an advantage of using the wind turbine. State one reason why it is important to reduce the amount of carbon dioxide produced. बेटा जितनी carbon dioxide ज़्यादा होगी ना, उतना greenhouse effect ज़्यादा होता है. उतना क्या होता है? Greenhouse effect ज़्यादा होता है. Greenhouse effect ज़्यादा होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ट्रैपिंग ऑफ हीट रेडिएशन. तो फिर उससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट होगी, समुद्रों में पानी बढ़ जाएगा, खुश्की कम हो जाएगी. तो ये सारी बातें हैं. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो जाता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कोल पावर स्टेशन कंपेयर विद अ विंड पावर स्टेशन. कोल पावर स्टेशन का फायदा ये होता है कि बेटा कोल पावर स्टेशन में ना विंड का जो होता है ना, इसको लार्ज एरिया चाहिए होता है, आपको बहुत ज्यादा एरिया चाहिए होता है ना विंड मिल्स लगाने के लिए. और विंड मिल जब चलती है ना, इसकी साउंड भी होती है, इसकी नॉइज होती है, विसल की साउंड होती है, नॉइज पोल्यूशन होती है. लेकिन कोल पावर स्टेशन की नॉइज पोल्यूशन नहीं होती, दूसरी होती है, नॉइज पोल्यूशन नहीं होती. तो नो नॉइज पोल्यूशन, नो नॉइज पोल्यूशन, और लेस एरिया इज रिक्वायर्ड, लेस एरिया इज रिक्वायर्ड. किसको? कोल पावर स्टेशन को. तो उसके एडवांटेजेस बताने हैं आपको. अच्छा बेटा, नेक्स्ट कहते हैं अ कोल पावर स्टेशन रिलीजेस दिस मच कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन जनरेटेड 1 kWh. इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है 1 kWh में. डिफाइन किलोवाट आवर. किलोवाट का आवर होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी. क्या किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 kWh, व्हेन 1 kW पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर. और 1 kWh किसके इक्वल होता है पता है? 1 kWh कितने जूल्स के इक्वल होता है? 36,000,000 जूल्स के इक्वल होता है. 1 kWh इतने जूल्स के इक्वल होता है. यूनिट ऑफ एनर्जी है. कब होती है? जब 1 kW पावर जो होती है ना, 1 kW पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर. तो फिर ये 1 kW बन जाता है. अच्छा, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेव्ड व्हेन द विंड टर्बाइन हैज अ पावर आउटपुट ऑफ 2,000 kW. 2,000 kW है, ऑपरेटेड फॉर 12 आवर्स. तो पहले तो नंबर ऑफ किलोवाट निकाले ना, नंबर ऑफ KWH. क्या करेंगे? 2,000 kW को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आवर्स से. कितना आ जाएगा? 0,00024 kWh. 24 kWh आ गया. अब देखो, 1 kWh में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? इतनी. तो 24,000 में कितनी बनाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर. तो 1 kWh कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? 0.96 रेशियो प्रोपोर्शन यूनिटी मेथड. तो 24,000 kWh कितनी बनाएगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.96 मल्टीप्लाई बाय 24,000. तो मल्टीप्लाई कर दो.
कितना आंसर आ रहा है? 230 40 ठीक है जी, केजी किलोग्राम्स। अच्छा आगे कहते हैं विंड इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्टेट द नेम ऑफ वन अदर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, सोलर एनर्जी, लाइट, सोलर को लाइट भी बोल सकते हैं, और लाइट एनर्जी, ठीक है, ये भी रिन्यूएबल है। टाइडल एनर्जी भी होती है, टाइडल एनर्जी वो भी, जियोथर्मल एनर्जी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? फ्यूजन मेल्टिंग से रिलेटेड होती है ना। अमाउंट ऑफ हीट जो क्या करती है, जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, तो इसको लिख लेंगे आप, ऐसी अमाउंट जो क्या करती है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे खुद से। आगे कहते हैं अ सैंपल ऑफ मेटल, अ सैंपल ऑफ मेटल पी, पहले आप आंसर सोचें, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड स्टेडली अंटिल द टेम्परेचर रीचेस 400 डिग्री सेल्सियस, 400 द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज कितना है? 250 डिग्री। मेटल का टेम्परेचर था 100 डिग्री, उसको 400 डिग्री तक हीट किया और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 250 है। ऑन फिगर ड्रॉ ग्राफ हाउ द मेटल चेंजेस। अभी हम ये ज्यूम करें कि क्या क्या ज्यूम करेंगे, हम ये ज्यूम करें कि सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। अच्छा भाई यहाँ पे मेल्टिंग होगी ना, ये मैंने पहले डॉटेड लाइन लगा ली, पहले यूं जाएगा ऊपर जाएगा टेम्परेचर, बाद में मेल्टिंग हो जाएगी, बाद में बढ़ता बढ़ता कहाँ तक चला जाएगा? 400 तक, यहाँ पर, ठीक है, इस स्टेट पे मेल्टिंग हो रही है, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, स्टेट चेंज, जब स्टेट चेंज होती है ना टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और हमने स्ट्रेट लाइनें बनाई ना, इसका मतलब ये होगा कि सराउंडिंग को हीट लॉस नहीं हो रहा। अच्छा आगे कहते हैं अ सैंपल ऑफ डिफरेंट मेटल क्यू, ये कौन सी मेटल थी, इसका नाम क्या था? पी, इस मेटल का नाम पी था, इसके ग्राफ के साथ भी पी लिखते थे, कहाँ है पी, इसके साथ पी लिख देते हैं। अच्छा वो कहते हैं एक और मेटल है जी, अ डिफरेंट मेटल हैज अ ग्रेटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देन पी, पी एंड क्यू आर द मेटल विद द सेम मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द सैंपल हैव सेम हीट कैपेसिटी, सेम हीट कैपेसिटी है, ओके, पी एंड क्यू की हीट कैपेसिटी सेम है लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना वो क्यू की ज्यादा है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, द सैंपल इज सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर टाइम डिफर्स फ्रॉम द, ग्राफ बना देता हूँ मैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल क्यू को भी आप 100 से स्टार्ट करते हैं, तो बेटा जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है ना और 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ओवरलैप करेगा, उसका ग्रेडियंट सेम होगा, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? सेम। अच्छा लेकिन मेल्ट होने पे उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो ये जो पार्ट होगा ना हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये लंबा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसको ज्यादा टाइम चाहिए, उसको ज्यादा हीट चाहिए, और बाकी जब वो मेल्ट हो जाएगा फिर उसके पैरेलल लाइंस बनेंगी, तो बेटा ये लाइन इसके पैरेलल बनेगी और ये दोनों लाइन पैरेलल बनेंगी, लेकिन बस सिर्फ ये वाला पार्ट जो होगा ना वो लेंथी होगा, इट विल टेक लॉन्गर टू मेल्ट, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट बड़ा बना देंगे, ये बताना है आपने, बस ये बता देना था, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है तो इट विल टेक लॉन्गर टू मेल्ट, इट विल टेक लॉन्गर टू मेल्ट। अच्छा जनाब आगे आ गया लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, टू पैरेलल रेज ऑफ लाइट वन रेड एंड वन ब्लू एंटर अ ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म है, ओके, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्लास है और ये आपको दिया हुआ है। फिगर 4.1 शोज बोथ ऑफ द लाइट बिफोर दे एंटर द प्रिज्म, the blue light is also incident on the different side of the prism after passing through prism, ek minute ko bas samajh nahi aaya kya kar raha, figure 4 pe jo both rays of light before they enter the prism, ye baat to samajh aa gayi, ye nazar aa rahi hai aapko, the blue ray is also shown incident on the different side, अच्छा ब्लू रेड का ये वाला पाथ, अच्छा ये वो कह रहे हैं डिफरेंट साइड पे, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये ब्लू रेड का ये पाथ दिखाया हुआ है ऑफ द प्रिज्म आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ब्लू रे का पाथ दिखा हुआ है,
ठीक है। अच्छा अब कहता क्या है, द ब्लू रे स्ट्राइक्स द लेफ्ट साइड एट अ एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। तो आपको पता है इसका पाथ कैसा बनेगा, जब एक एंगल क्रिटिकल होता है तो दूसरा एंगल 90 होता है, दूसरा एंगल क्या होता है 90. तो सरफेस के अलॉन्ग जाएगी। यहाँ पे रे जो ब्लू, इसको ब्लू से बनाऊ ना, ब्लू वाली रे है तो मैं ब्लू कलर क्यों ना यूज करूँ जनाब, आई कैन यूज, ये यूं जाएगी ब्लू वाली, और पुत्र ये एंगल कितना हो जाएगा 90। जब क्रिटिकल एंगल पे होता है ना तो बाहर वाला एंगल एक एंगल 90, जब एक क्रिटिकल होता है तो दूसरा 90 होता है, ठीक होगी बात। अच्छा आगे कहते हैं, ऑन फिगर 4.1 मार्क द लेबल द एंगल आई एंड एंगल आर फॉर द ब्लू लाइट। तो ये एंगल आई है पुत्र और ये एंगल आर है, ठीक। अच्छा ऑन फिगर 4.1 कंटिन्यू द पाथ ऑफ ब्लू लाइट आफ्टर इट स्ट्राइक्स, वो हमने कर लिया। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज स्मॉलर देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू लाइट, ओके। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बोला, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज स्मॉलर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये कह रहा है वो ब्लू लाइट, ओके। अच्छा आपको पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का और क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन होता है, साइन सी किसके इक्वल होता है 1/n, या n इज इक्वल टू 5 ओवर साइन सी। तो साइन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, है ना, यही मतलब हुआ ना इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर n कम है तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा ज्यादा होगा, जिसका एंगल कम है उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, जिसका n कम है उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, ओके। इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल जो है ना रेड का वो ज्यादा है और क्रिटिकल एंगल ब्लू से इसका कम होगा। क्या कह रहा है, ऑन फिगर 4.1 ड्रॉ द पाथ ऑफ रेड रे एज इट पासिस इन अ प्रिज्म एंड इट स्ट्राइक्स द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिज्म, ओके। इसका पाथ ड्रॉ करना है, पैरेलल आ रही थी, आपको पता है रेड की स्पीड चेंज कम होता है तो ये कम मुड़ेगी, इट विल बेंड लेस, ये लेस मुड़ेगी बेटा, ये मुड़ेगी सही लेकिन लेस बेंड होगी, टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी लेकिन ये लेस जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल एज इट स्ट्राइक्स द प्रिज्म ऑफ द लेफ्ट साइड। On figure, draw the path of the red light as it travels in a prism and after it strikes the left side. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बाहर निकल जाएगी, क्योंकि देखो ना इसका क्रिटिकल एंगल बड़ा होता है बेटा, ओके okay, इसका क्रिटिकल एंगल बड़ा है, तो आप भी तो बड़े एंगल पे रहिए, एक मिनट सिर्फ यही पूछा था कि आगे भी गुजर, एक मिनट रुको, छोटे एंगल पर आएगी ना, हाँ उसका एंगल छोटा बनेगा, स्ट्रेट आएगी तो इसका एंगल छोटा बनेगा, ये एंगल छोटा बन रहा है बेटा, ये एंगल जो है ना ये वाला एंगल, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल था ना, सपोज कर लें कितना था, ये था 42, सपोज कर लें ये कितना था 42, तो ये जो एंगल बनेगा ना, क्योंकि ये लेस मुड़ी है ना, तो इसका ये एंगल लेस देन 42 होगा, ये लेस देन 42 है, और वैसे भी इसका क्रिटिकल एंगल बड़ा है क्योंकि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स छोटा है ना, उसने बताया ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखो छोटा है ना, तो इसका क्रिटिकल एंगल बड़ा है, क्रिटिकल एंगल बड़ा है, इसका क्रिटिकल एंगल बड़ा है, तो इसका मतलब है ये, और ये एंगल तो उससे भी छोटा बन रहा है, तो ये रे बाहर जाएगी, ये रे क्या करेगी बाहर जाएगी, इट विल, ये बाहर जाएगी और यूं जाएगी, ये तो बिल्कुल सरफेस के अलॉन्ग हो गई है ना, सरफेस के अलॉन्ग नहीं होगी क्योंकि ये एंगल क्या है लेस देन क्रिटिकल एंगल, ये जो एंगल बन रहा है क्या है लेस देन एंगल सी, ये एंगल छोटा बन रहा है। स्ट्रेट रॉड इज बेंड बाय क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल इन डेंसर मीडियम हूज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन लेस डेंस मीडियम बिकम 90 डिग्री आफ्टर बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो अगर हम क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, रे बाहर नहीं जाएगी, इट विल बी टोटली इंटरनल रिफ्रैक्टेड। तो पूरा लिखेंगे, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल, तो लिखेंगे व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सी देन एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल सी टी आई आर टेक्स प्लेस, टी आई आर टेक्स प्लेस। क्रिटिकल एंगल वो मैक्सिमम एंगल होता है जहां तक रे बाहर जाती है, उसके बाद क्या होता है रे टी आई आर होने लग जाते हैं, ठीक है। इट इज अ मैक्सिमम एंगल एट विच द रिफ्रेक्शन टेक्स प्लेस, ये भी कह सकते हैं, इट इज अ मैक्सिमम एंगल एट विच द रिफ्रेक्शन टेक्स प्लेस मोर देन क्रिटिकल एंगल टी आई आर टेक्स प्लेस, तो मैं ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा जी, सो अच्छा जनाब, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ब्लू लाइट के लिए 1.5 है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट, क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो
तुम्हें पता है साइन सी इज इक्वल टू 1/n, तो निकाल लें इसको, तो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/1.5। सॉल्व करेंगे मेरे साथ 42 आ जाएगा, 41.8 42 आ जाएगा एंगल, हमने किया हुआ पहले भी कई बार, 42 आ जाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म, क्वेश्चन नंबर 5, फिगर 5.1 शोज अ सिंपल डीसी मोटर यूज्ड इन अ कार टॉय, ठीक है जी, तो बताते हैं जी इनका नाम, आपको डिब्बे दिए हैं, आपको नाम बताना पड़ेगा, तो क्या होते हैं जी, ये जो चीज़ होती है, क्या होती है, ये जो चीज़ है कार्बन ब्रशेस, ये क्या होते हैं कार्बन ब्रशेस, और ये गोल वाले क्या होते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होते हैं जनाब, हमने कर दिए। आगे कहते हैं स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इंक्रीजेस, तो क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ रोटेशन, जब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर देंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, तेज घूमेगी, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स इज रिवर्स्ड, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रोटेशन, जब मैग्नेटिक पोल रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल बी रिवर्स्ड, पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल रिवर्स, मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल रिवर्स, मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं आप, क्या अजीब सी चीज आ गई। द पावर सप्लाई ऑफ द मोटर इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट ए स्टेडी रेट, ओके, स्विच ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं फिर ऑन, तो पहले जब स्विच ऑन करते होंगे तो मोटर की स्पीड ज्यादा होती है, ऑफ करते हैं तो मोटर की स्पीड का, अच्छा फिर ये ग्राफ इस तरह बना है। फिगर 5.2 शो द स्पीड ऑफ द टॉय कार वेरीज विद द टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ पावर सप्लाई बीइंग स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, ठीक है जी, तो स्विच ऑन करते होंगे ना तो उसकी स्पीड बढ़ जाती होगी टॉय कार की, स्विच ऑफ करते होंगे स्पीड कम हो रही कम हो रही कम हो रही, यहाँ पे फिर दोबारा स्विच ऑन करती है स्पीड बढ़ गई फिर कम हो गई। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द टॉय कार, तो अभी यही बताना है, स्पीड इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो क्या हो रहा है उसको बार बार स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ऑल्टरनेट कर रही है, स्पीड इंक्रीजेस डिक्रीजेस। आगे कहते हैं द वोल्टेज सप्लाई टू द मोटर इज स्विच्ड ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑन करेंगे एंड ऑफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट ए स्टडी रेट, ज्यादा देर के लिए ऑन करें ज्यादा देर के लिए ऑफ कर रहे हैं, तो स्टेट व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ द कार, ज्यादा देर के लिए ऑन कर रहे हैं ज्यादा देर के लिए ऑफ कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बस ये पार्ट ज्यादा बन जाएगा, उसकी स्पीड थोड़ी और तेज हो जाएगी, ज्यादा देर के लिए ऑन करेंगे तो ग्राफ देखो ना, ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, ग्राफ यूं करके यूं करके यूं करके ऊपर तक चला जाएगा ना, ऑफ करेंगे तो यूं करके नीचे तक आ जाएगा, तो ज्यादा देर के लिए ऑन कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड गाड़ी ज्यादा एक्सेलरेट करेगी ना, उसकी स्पीड में ज्यादा इंक्रीज आएगा। वेट अ सेकेंड एक मिनट दोबारा बेटा, ज्यादा देर के लिए ऑन कर रहे हैं तो स्पीड तो कांस्टेंट हो गई थी ना, देखो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी बाद में कांस्टेंट हो गई, तो फिर अगर ज्यादा देर के लिए ऑन करेंगे रहेगी तो कांस्टेंट ही, इससे आगे ऊपर तो नहीं जाएगी ना, देखो वहां पे उसने मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली है, अच्छा जब ऑफ करेंगे अब ज्यादा देर के लिए ऑफ करेंगे तो कम होते 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 जीरो हो जाएगी, फिर क्या होगा, कम होते होते जीरो रहेगी, फिर जब ऑन करेंगे ना तो फिर वो बढ़ेगी, तो मैक्सिमम स्पीड तो उतनी रहेगी लेकिन गाड़ी रुक सकती है बाद में, तो क्या करेंगे, नीचे से स्टडी स्पीड मैक्सिमम स्पीड स्लो डाउन बट नेवर, तो यहाँ पे क्या होगी, गाड़ी रुक सकती है मैक्सिमम कॉन्स्टेंट स्पीड और गाड़ी जो है ना वो रेस्ट पर आ जाएगी, ज्यादा देर के लिए रुक जाएगी, तो अब यही बताना है कि स्पीड तो उतनी रीच करेगी, क्योंकि स्पीड बाद में कांस्टेंट हो रही थी, मैं दोबारा समझा दूँ, कुछ समझ में नहीं आया पहले, मुझे भी समझ में नहीं आया था, देखो यहाँ पे देखो ना, जब स्विच ऑन किया ना तुमने, स्पीड बढ़ रही है इसके बाद कांस्टेंट हो गई है ना, अब अगर मोटर ऑन भी रहती तो स्पीड तो यही रहती ना, देखो यही रहती ना तो यही रहती, ज्यादा देर के लिए ऑन करेंगे तो स्पीड ज्यादा देर तक यही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, कांस्टेंट होएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन जब ज्यादा देर के लिए ऑफ करेंगे तो नीचे आते 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 को टच कर जाएगी और यहाँ पे गाड़ी क्या आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी, तो यही बताना है आपको, ठीक, ये कॉमन सेंस है, बोंगियां मारनी है बेटा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रिसिटी आ गया. द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इज स्विच्ड इज यूज टू सेंस द अमाउंट ऑफ लाइट इन अ रूम. ठीक है जी. अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इज यूज टू सेंस द अमाउंट ऑफ लाइट इन अ रूम. फिगर 6.1 शोज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट दैट एलडीआर इज नॉट शोन. ओके. कंप्लीट फिगर 6.1 बाय ड्रॉइंग द सिंबल फॉर एलडीआर. एलडीआर की सिंबल याद है आपको क्या होता है? डब्बा होता है और उसके बाद टू एरोज होते हैं. ये एलडीआर का सिंबल है. एलडीआर का पता भी आपको याद है एलडीआर क्या होता है? जब ब्राइटनेस जब अंधेरे में होता है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है. जब डार्क होता है ना, डार्कनेस होती है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा. और जब ये ब्राइट लाइट में होता है, जब लाइट बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम. इनवर्स रिलेशन है. जैसे थर्मिस्टर का टेम्परेचर से रिलेशन होता है ना, उतना एलडीआर का ब्राइटनेस रिलेशन होता है. एक्सप्लेन हाउ द वोल्ट मीटर रीडिंग चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द एलडीआर इंक्रीजेस. अब बेटा जरा गौर से सुनना है आपने. वो कह रहे हैं इसकी रीडिंग को क्या होगा जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी. अच्छा, पहले जब लाइट नहीं पड़ी तो क्या था? जब लाइट नहीं थी, सपोज कर लें, जब यहाँ पे क्या था? डार्क, अंधेरा था. तो अब सपोज करें कि इसकी रेजिस्टेंस थी आर, और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी ना अंधेरे में. अंधेरे में इसकी रेजिस्टेंस क्या थी? ज्यादा थी. इसकी रेजिस्टेंस थी 3R. सपोज कर लें, क्या करें? सपोज करें कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? 3R. मैंने सपोज कर लिया 12 वोल्ट की बैटरी थी. तो आपकी जो वोल्टेज है, इन दोनों में डिवाइड होनी है ना, आर में और 3R में. किस रेशियो में डिवाइड हो रही थी? 1:3. टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो रही थी? 4 पार्ट्स में. तो 12 एनर्जी 4 पार्ट में डिवाइड हो रही थी. एक 3 वोल्ट का पार्ट था, तो इसको 3 वोल्ट का एक ही पार्ट मिल रहा था. 3 वोल्ट, इससे क्या मिल रहा था? 9 वोल्ट. इससे क्या मिल रहा था? 9 वोल्ट. अच्छा, आप जरा गौर से सुनो. अब क्या हुआ? जब ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जब इस पर लाइट पड़ी, जब लाइट पड़ी, इसकी रेजिस्टेंस तो आर ही रही. इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई बेटा? हम सपोज कर रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस भी आर हो गई. पहले कितनी थी? 3R. अब कम होगी, इसकी भी रेजिस्टेंस कितनी होगी? आर हो गई. 3R से इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? आर. अब अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल है ना, तो क्या बन गई? 1:1 बन गई ना. तो इससे भी कितनी मिलेगी? 6 वोल्ट. इससे भी कितनी मिलेगी? 6 वोल्ट. तो ब्राइटनेस के बढ़ने से क्या हो रहा है? इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगी. तो फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी? ज्यादा. देखो यहाँ पे 3 थी ना पहले, अब यहाँ पे कितनी मिलने लगी है? 6. तो आप बोलेंगे वोल्ट मीटर रीडिंग विल इंक्रीज. वोल्ट मीटर रीडिंग विल इंक्रीज. इसको एक्सप्लेन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखो बेटा, वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीज क्यों करेगी? हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हैं. अब कहेंगे सर देखिए ना, जब लाइट पड़ेगी ना, जब लाइट ज्यादा होगी ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम. रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा. सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? पूरे सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करेगा. अच्छा, अब इसमें भी ज्यादा करंट फ्लो करेगा. तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना, V=IR. तो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होती है? करंट के. तो जब करंट ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी. जब करंट ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी. तो जब लाइट बढ़ेगी तो वोल्ट मीटर रीडिंग विल इंक्रीज. इसका लॉजिक ये है जो ऊपर मैंने लिखा. जब लाइट बढ़ेगी तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, टोटल करंट बढ़ जाएगा. जब करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसकी रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही ना. जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है ना, तो वी और आई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है. वी और आई में क्या रिलेशन होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. तो जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी. आप कहेंगे सर करंट तो यहाँ भी बढ़ेगा, सीरीज में करंट सेम होता है, यहाँ पे करंट बढ़ेगा लेकिन इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो इस पे वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होंगे? वी ओम्स लॉ का भी वे होता है. कब होते हैं? व्हेन आर इज कांस्टेंट. व्हेन आर इज कांस्टेंट, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना, इस पे तो वी आई के प्रोपोर्शनल है. तो जब यहाँ पे करंट बढ़ रहा है तो यहाँ वोल्टेज बढ़ेगी. यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है. ऐसे बताएंगे. अच्छा, आगे कहते हैं फिगर 6.2 शोज द पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टर्स. 3 रेजिस्टर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं. द करंट इन 4 ओम रेजिस्टर इज 2.4 एम्पीयर. यहां पे 2.4 एम्पीयर करंट. ओके, शो दैट द करंट इन 5 ओम्स इज 1.9 एम्पीयर. मुझे इसका करंट शो करना है, इसका करंट फाइंड आउट करना है बेसिकली. अच्छा बेटा, मैं इसको बोलता हूँ, इस रेजिस्टर्स को बोलता हूँ R1 और इसके करंट को बोलता हूँ I1. नीचे वाले रेजिस्टर को बोलता हूँ R2
और इसके करंट को बोलता हूं आई टू। आपको पता है ये दोनों क्या है, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट डिवाइड होता है। इसको वोल्टेज मिल रही है सपोज V1 और इसको वोल्टेज मिल रही है सपोज V2, तो इन वोल्टेज पे क्या रिलेशन है, हम सबको मालूम है V1 is equal to V2, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो अब लिख सकते हो उसको I1 R1 is equal to I2 R2, I1 R1 is equal to I2 R2। कैसे पता चला बेटा, दोनों की वोल्टेज जो सेम है, ये दोनों पैरेलल है जनाब, जब पैरेलल है तो वोल्टेज सेम है, जब वोल्टेज सेम है तो ऊपर की वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V is equal to IR, I1 R1 is equal to I2 R2। I1 की वैल्यू कितनी है 2.4, R1 की वैल्यू कितनी है 4, I2 की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है, R2 की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आपका आ जाएगा 1.9 एम्पीयर्स, हमारा करंट आ जाएगा I2 का आ जाएगा 1.9 एम्पीयर्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x एंड y के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, x का है y का है। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ तक हमें सब कुछ मिटा दूँ तो ही नजर आएगा आपको, ऊपर ली चीज़ें मिटा देता हूँ, वेट अ सेकंड प्लीज, ऊपर ली चीज़ें मिटाता हूँ। जी x का है और y का है, ओके हमें मालूम है x का है और y का है, ये है जी x और ये है y। अब ये जो x और y के दरमियान वोल्टेज क्या होगी, इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज, ये दोनों सीरीज में हो गए ना, ऐड करेंगे तो वोल्टेज बिटवीन x एंड y किसके इक्वल होगी, v1 प्लस v2, v1 प्लस, पहले इसकी वोल्टेज निकाल लेना, इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज कैसे आएगी, इसकी वोल्टेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए v इज इक्वल टू क्या होता है आया, तो यहां का करंट पता है आपको, पता है हमें, हमें पता है यहाँ का जो करंट है वो इन दोनों के करंट के इक्वल है, भाई जितना यहाँ पे करंट था वो ए पॉइंट पे आके स्प्लिट हो रहा है ना दोनों में, नीचे कितना करंट गुजरा था 1.9, ऊपर कितना था 2.4, इन दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ का करंट आ जाएगा, तो यहाँ का करंट कितना होगा 1.9 प्लस 2.4 इनटू रेजिस्टेंस कितनी है 6। तो बेटा मुझे इसकी वोल्टेज निकालनी है ना, इसकी वोल्टेज वी वन है, वो कैसे निकलेगी, वी इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, इसमें टोटल करंट फ्लो कर रहा है ना, बेटा क्या कर रहा है टोटल करंट, यहां से करंट आ रहा है ना, करंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, स्प्लिट हो जाता है दोनों में, तो यहां तो टोटल करंट जा रहा है, तो मुझे 1.9 इनटू 2.4 इनटू 6 क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 25.8 वोल्ट, इसकी वैल्यू है, इसको मिल रही है 25.8 वोल्ट। अब इधर की वोल्टेज निकाल लें, इधर की वोल्टेज या ऊपर वाले की निकाल लें या नीचे वाले की निकाल लें, एक ही बात है, दोनों की वोल्टेज सेम है ना, एक ही वोल्टेज है, तो V2 हम निकाल सकते हैं, ऊपर वाले को यूज कर लें आप, खाली इसको यूज कर लें, इसको V is equal to IR, I कितना है 2.4, R कितना है 4, ये आ जाएगा 9.6, कितना आ रहा है 2.4, देखो 2.4 एम्पीयर्स मल्टीप्लाई बाय 4, 9.6 आ रहा है ना बेटा, इसकी इसकी वोल्टेज ऊपर वाले की, ये वोल्टेज निकालनी है ना, इसकी वोल्टेज कैसे निकालेंगे बेटा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ऊपर वाले की निकालो या नीचे वाले की निकालो या टोटल निकालो, सेम आंसर आएगा आपका। तो मैं ऊपर वाले की वोल्टेज निकाल लेता हूँ, ऊपर वाले की करंट कितना है 2.4, रेजिस्टेंस कितनी है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 आ रहा है, तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स वाई के दरमियान वोल्टेज 25.8 प्लस 9.6, इनको ऐड करो 36.4 आ रही है, 35.4 वोल्ट आ रही है, 35.4 वोल्ट। दिन बच्चों को समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है कि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, दोबारा सुन लें बेटा, देखो देखो मेरा बेटा, ये वाला जो रजिस्टर, ये दोनों ना ये एक ही रजिस्टर होते हैं, ये पैरेलल वाले एक ही कंसिडर करते हैं इनको, तो जो ऊपर वोल्टेज है ना, ऊपर वाले की वोल्टेज V1 सपोज, नीचे वाले की वोल्टेज V2 सपोज, और इसकी वोल्टेज को V3 सपोज कर लेते हैं, ये तो हमें पता है V1 is equal to V2 है ना, पैरेलल की वोल्टेज सेम होती है और दोनों को एक ही वोल्टेज मिल रही है, इन दोनों की जो वोल्टेज है ना, इन दोनों की वोल्टेज वो एक ही है, आप V1 भी कह सकते हो और V2 भी कह सकते हो, तो XY के दरमियान जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज बिटवीन X एंड Y, वो किसके इक्वल है, इस रेजिस्टर की वोल्टेज को मैं क्या बोल दिया V3 प्लस इन इन दोनों रेजिस्टर की वोल्टेज को, आप V1 भी लिख सकते हो V2 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो मैंने साथ लिख दिया V1। अच्छा अब V3 कैसे आएगा, इसकी वोल्टेज कैसे आएगी बेटा,
इस वाले रेजिस्टर की वोल्टेज, जो लेफ्ट वाला रेजिस्टर है, इसकी वोल्टेज कैसे आएगी, तो मुझे पहले इसका करंट पता होना चाहिए। इस पर टोटल करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट जो इन दोनों का करंट है ना, ब्रांचेस का, ऊपर वाली ब्रांच का कितना करंट है 2.4, नीचे वाली ब्रांच का कितना करंट है 1.9 एम्पेयर। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो 4.3 एम्पेयर आ जाएगा। इसके अंदर 4.3 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। अब इसकी वोल्टेज आप निकाल सकते हैं, V3 किसके इक्वल होगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वो आ गया था 25.8 वोल्ट V3 की वैल्यू। अब या V1 की वैल्यू निकाल रही है या V2 की, अब मैं V2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। V2 V1 की इक्वल है, नीचे करंट कितना है 1.9, 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9.5 वोल्ट आ गया। ठीक है मेरा बेटा, अब इन दोनों को ऐड कर दें, 25.8 प्लस 9.5 तो अप्रॉक्सीमेटली 35 आ जाएगा। मुश्किल था आपको, आता नहीं था?